हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम हेयर और हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व MCQs फॉर पॉलिटी. ठीक है, तो परसों से भी हमने बहुत सारे MCQs किए हैं. आज का थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा वीडियो, क्योंकि आज के जो ये भी थोड़ा प्रीएम्बल रिलेटेड ही है और इसके बाद हम करेंगे कल इंशाल्लाह जो है प्रेसिडेंट पे हम MCQs करेंगे. फिर उसके बाद करेंगे हम इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने सारे क्लास में पढ़े हैं. ठीक है, और बाकी आप जो है रिवाइज़ करते रहिए, जो मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ उसको उस पर फोकस करते रहिए, रिविजन करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रेस्पॉन्स, जो क्लासेस का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है. थैंक यू सो मच. इतने सारे ईमेल्स मुझे आ रहे हैं, बी इट पॉलिटी और बी इट हिस्ट्री. और हिस्ट्री में आपको आज जो क्लासेस मिलेंगी ऐप पे, जो बच्चे जो बैच में जुड़े हुए हैं, मैंने टाइपड नोट्स मिलेंगे आप आज, वो हैंड रिटन के टाइपड होंगे और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने वढ़ने में. बाकी आप रिवाइज करते रहिए ऐसे ही, जैसे आप अभी कॉपरेट कर रहे हैं आप, हम भी यहाँ से और आप भी वहाँ से, क्योंकि तब जाके ये जो प्रोसेस है स्मूथ चलती है. और रिवीजन करते रहिए हर एक टॉपिक, जो भी हम ऐप में ये कर रहे हैं, जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ से हम MCQs करेंगे हर एक चैप्टर के साथ साथ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल प्रीएम्बल के, तो वो हम आज कर लेते हैं. हर रोज़ की तरह आप आज भी इसको क्या है, अपने जो आंसर्स है लाइव चैट में लिख लीजिए, तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ज़रा मुझे आप ऑप्शन बिना देख के ही बताओ. मैं देखूँगी कितने बच्चों को याद है डायरेक्ट इसका आंसर. जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मैंने पढ़ा है, बैच वन का तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया परसों. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया है, क्या पता है आपको? सो ऑप्शन आर USA, कैनेडा, अर्स्टवाइल USSR, UK. सो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज़, करेक्ट ऑप्शन इज अर्स्टवाइल USSR इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जो USSR पहले था, सोवियत यूनियन, वहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है हमारे पास, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ज़रा आप लोग लिख लीजिए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर. अच्छा, उस कमेटी का नाम लिख लीजिए जिस कमेटी के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कमेटी का नाम लिख लीजिए. मैं देखूंगी कितनों को पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कमेटी ने रिकमेंड की थी. ठीक है, कांग्रेस पार्टी का रूल था तब, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सेटअप की थी एक कमेटी जिसका नाम था स्वरण सिंह कमेटी. ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी जो है उसने रिकमेंड की थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई कब, 1976 में. और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया, 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ड्यूटी को ऐड किया गया. और फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया, जो अर्स्टवाइल USSR था वहाँ से. ठीक है, चले ठीक है, ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इनको फिर अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद द वर्ड सोशलिस्टिक वाज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज टू, आपको पता है सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, मैंने आपको बताया बार बार सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इसको अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया प्रीएम्बल में. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा. और ये सोशलिस्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर सोशलिस्ट का मतलब क्या है, ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे ही बताइए क्या मतलब है सोशलिस्ट का. और आपको पता होना चाहिए बहुत चीज़ें हुई हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, इसलिए इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, इंदिरा गांधी की हुकूमत की टाइम ये हुआ था 1976 में, जब इमरजेंसी हुई थी उसके बाद, तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को. तो वर्ड सोशलिस्टिक जो उसका मेन एम क्या था वो हम पढ़ेंगे. ऑप्शन ए, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस. बी, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स. सी,
eliminate inequality in income and status and standards of life. डी एलिमिनेट क्लास बेसिस सोसाइटी. तो मुझे बताइए एम क्या था सोशलिस्टिक बनाने का इंडिया. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस. आपको पता है जो सोशलिस्टिक कंट्रीज होती हैं दो तरह की होती है. एक होती है वो सोशलिस्टिक की जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर हर एक चीज़ होती है, वहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होती है, वहाँ गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है हर एक चीज़. लेकिन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया कौन सी तरह की सोशलिस्टिक है, ज़रा मुझे बताइए कमेंट में. इंडिया किस तरह की सोशलिस्टिक कंट्री है. यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? ये मार्क्सिज्म और गांधीयन जो है थ्योरी उसको मिला के बनाया गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मकसद मतलब होता है मिक्सड टाइप ऑफ इकोनॉमी, जिस पे जहां पे प्राइवेट भी प्राइवेटाइजेशन भी हो, प्राइवेट भी हो और गवर्नमेंट भी हो. जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं. लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उन पे गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, उनको लाइसेंस लानी पड़ती है, उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है. सेम इज़ द केस विद प्राइवेट स्कूल्स. प्राइवेट स्कूल्स को ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं. विंटर वैकेशन होगी सब प्राइवेट स्कूल्स की होगी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ. तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट करता है. क्यों? वो बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच लोग हैं वही सिर्फ अफोर्ड कर सके, गरीब लोग भी अफोर्ड कर सके चीज़ों को. इसलिए गवर्नमेंट भी अपने गवर्नमेंट स्कूल्स खोलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रखते हैं और गवर्नमेंट सप्लाई सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, और रेगुलेशन भी रखते हैं सो देट कि जो प्राइसेस है वो एक हद तक रहे, ठीक है. तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मिक्सड इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हैंड इन हैंड है, ठीक है. चले ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच हुआ है. रिपब्लिक, क्या रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटी मोनार्क? क्या रिपब्लिक का ये मतलब होता है? पढ़ाया है मैंने सब कुछ. बी सॉवरियन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स ऑन पीपल्स विल. क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों पे के विल पे डिपेंड होता है, सॉवरियनिटी उसको बोलते हैं. डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुपरमेसी ऑफ अनदर कंट्री. डी सेक्युलर, स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन. ज़रा मुझे बताइए इसमें जो है करेक्टली मैच क्या है. सो यस ऑप्शन डी, क्योंकि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है इंडिया सेकुलर स्टेट है, क्योंकि स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन. यहाँ पे स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता. लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बात याद रखनी है, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना सेकुलरिज्म का वो नेगेटिव है. वहाँ पे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन स्टेट का कुछ वास्ता ही नहीं होता रिलीजन के साथ. लेकिन हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है. यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इक्वली रेस्पेक्ट करता है ऑल रिलीजन, वो इक्वल स्टेटस देता है रिलीजन को. मतलब यहाँ पे आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के प्रसाद स्कीम के अंडर बहुत जगह पे आप जाओगे, जैसे रिलीजियस प्लेस होती हैं, चाहे श्राइन हो या टेम्पल हो या चर्च हो, वहाँ पे आप देखोगे वॉशरूम्स बने होते हैं या वो छत बने हुए होते हैं जिसके अंडर लोग खाना खाते हैं, क्योंकि यहां को फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट. लेकिन इक्वली, ये नहीं कि बस हिंदू वाली प्लेसेस को या मुस्लिम वाली प्लेसेस को, इक्वली, ठीक है. तो उस स्टेट को जिसका खुद का कोई नेशनल रिलीजन या खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट. तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है, हमने पढ़ा है ये. तो आगे देखते हैं, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना फ़ायदा हो रहा है आपको एमसीक्यू से, रिवीजन हो रहा है आपको जो मैं एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन, द प्रीएम्बल एनश्राइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वर फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन. जितने भी कुछ आइडियाज़ या जो भी कुछ प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, कुछ ऐसे आइडियल्स हैं इसमें जो पहले कहाँ पे थे. इन चारों ऑप्शंस में आप देख लीजिए. ऑप्शन ए, द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन बैंक्स ऑफ रवि व्हेन ही कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज. क्या ये हमें दिखता है प्रीएम्बल से? द नेहरू रिपोर्ट, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो नेहरू रिपोर्ट के बारे में, जो कि 1928 के अराउंड बना था, तो क्या वो हमें दिखता है? इसके अलावा ए रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दिखता है क्या? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. Yes, the right option is option D.
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये किसने ड्राफ्ट किया था और मूव कराया था? जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और जिसमें इन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट हम करेंगे अगर ये इसके साथ जुड़ जाएंगे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगी, और इन्होंने यूनिफाई करने की कोशिश की थी। ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो उसी के बेस पे फिर प्रियम्बल बना और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया, और जितनी भी चीज़ें इसमें मेन चीज़ें थी वो प्रियम्बल में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि ड्राफ्ट किया था और मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया और आगे जाके वही प्रियम्बल बना। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फार्मर्स इज, ये वो फार्मर्स है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं उनका माइंड और आइडियाज़ क्या है? ठीक है, सो ऑप्शंस आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड सिटीजनशिप। सो द राइट ऑप्शन इज प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल को पढ़ के ही हमें पता चलता है आइडिया। हम प्रियम्बल को बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि हमें प्रियम्बल को पढ़ के ही पता चलता है कि हमारी कंट्री किस तरह की है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? ठीक है, इनमें से हमें कौन सा चीज़ बताता है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है? मैंने आपको पढ़ा है ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, फेडरल हम किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा तब होगा क्या? एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वेस्टिंग ऑफ ट्रेजरी पावर्स विद द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फेडरल का कॉन्सेप्ट हमें सबसे ज़्यादा कौन बताता है? जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्लियरली लिखा गया हो। तो इंडिया में भी तीन लिस्ट्स है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे भी जो पावर है वो क्लियरली डिफाइन करके है कि किसके पास कितना पावर है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन और जो लड़ाइयाँ हैं वो कम होती हैं। तो फेडरलिज्म का ये एक जो है भरपूर एक अच्छा वाला फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। Another question, the Indian constitution is regarded as federal, unity, parliamentary, federal in form and unitary in spirit. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आप मुझे बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट फेडरल, इज इट यूनिटरी और इज इट पार्लियामेंट्री, और इज इट फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट? तो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। बेसिकली देखो, यहाँ पे हमने जो है कनाडा वाला स्कीम लाया है, मैंने आपको कल भी ये पढ़ा है, कनाडा वाला स्कीम लाई है। यहाँ पे जो फेडरलिज्म है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर देखोगे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट से आप देखोगे यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा आइटम्स रखे गए हैं, तो ज़्यादा पावर यहाँ पे यूनियन को रखा गया है। सेंटर यहाँ का पावरफुल है, और इमरजेंसी टाइम पे आपको पता है जब इमरजेंसी होती है, एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, उस टाइम पे जो हमारा ये सेंटर है वो ऑल पावरफुल बन जाता है, यूनिटरी फॉर्म बन जाती है। तो इसलिए हम क्वासी फेडरलिज्म भी इसको बोलते हैं। हमारा जो कंट्री है वो फेडरल इन फॉर्म है बट यूनिटी इन स्पिरिट है, हमारा जो स्पिरिट है यूनिटी का है, कि सेंटर को हम ज़्यादा पावर देते हैं, और यहाँ की जो ये है कि किसी स्टेट को अलाउ ही नहीं है अलग हो जाना, क्योंकि ये अमेरिका वाला फेडरलिज्म नहीं है। अमेरिका में बनी है, बहुत सारी स्टेट्स आ गई और एकजुट किया है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिवीजन किया गया है, सो दैट कि डाइवर्सिटी बहुत है, एरिया बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे प्रियम्बल वाले सेक्शन में से, और कल डिफरेंट टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ कैसी लग रही है, इसको कंटिन्यू रखना है, क्या करना है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, प्रिपेयर वेल, रिवाइज करते रहिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।